और बारिश भी आ चुकी है। लगता है मैं अंदर ही भागना पड़ेगा। जल्दी जल्दी से मैं अपना यहाँ पे सेटअप बिठाता हूँ। हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत करता हूँ आप सभी का फिर से अपनी नई कैंपिंग व्लॉग में। तो हम लोग पहुँच चुके हैं अपनी कैंप साइट पे और आज हमारी कैंप साइट रहने वाली है ये। काफ़ी अच्छी लोकेशन मिली है हमें, तो आज हम अपनी कैंपिंग करने वाले हैं। यहाँ पर थोड़ा टॉप में है पहाड़ों के और चारों तरफ घना जंगल है, ये देखिए आप। और मौसम हो रहा है एक नंबर का, तो हो सकता है कि बारिश पड़ जाए। और पीछे हमारी कैंपिंग में बारिश, जब हम लोग अपना टेंट स्विच कर रहे थे तो बारिश पड़ी थी, लेकिन फिर बाद में बारिश हुई नहीं, लेकिन आज पूरे पूरे आसार हैं। और अपना सेवी भाई टेंट की तैयारी करते हुए, तो थोड़ा सा मैं भी इसके साथ मदद करवा देता हूँ। आज उमस बहुत थी मौसम में, तो आप देख पा रहे होंगे कि मेरे कपड़े जैसे पसीने में भीग गए हैं। तो टेंट लगाते हैं जल्दी से और थोड़ी देर यहाँ पर नेचर का आनंद लेंगे। मौसम तो बारिश का हो रहा है, लेकिन ह्यूमिडिटी उमस इतनी ज़्यादा हो रही है और हम लोग भी इसी उम्मीद में हैं कि बारिश पड़ जाए तभी मज़ा आएगा। और मौसम तो पूरा साथ दे रहा है अभी तक, आप भी देख पा रहे होंगे कि बादल बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं और ये कभी भी बरस सकता है। तो बस अपना जल्दी से सेटअप करते हैं अंदर, और टाइम अभी हो चुका है 4:30 के आसपास। तो आज मैं बनाने वाला हूँ मैंगो शेक। आम का सीज़न चल रहा है और मैंगो शेक ना पिए तो फिर क्या फ़ायदा गर्मी का। और रात के टाइम पे मैं बनाने वाला हूँ आज पिज़्ज़ा, तो पिज़्ज़ा ट्राई करूँगा मैं फ़र्स्ट टाइम। अब थोड़ा जाके अच्छा हुआ है मौसम, नहीं तो इससे पहले सी उमस हो गई थी क्योंकि हम इतना सारा सामान लेकर आए तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग गई थी। पीछे कोहरा लगना शुरू हो गया, तो आप मेरे बैक साइड में देख पा रहे होंगे उधर सारे बादल नीचे आ गए, नीचे धूप है और उस तरफ थोड़ा थोड़ा उजाला दिख रहा है। और यहाँ पर बहुत अच्छा मौसम हो रखा है बारिश वाला, नीचे ऐसा लग रहा धूप है। तो ये ब्रिड है आम की चौंसा, जो कि बहुत मीठा होता है। तो अपने पास मिक्सी तो है नहीं, एक अपना ऐसा चॉपर है, चॉपर में बनाएंगे आज। देसी सेक। इधर अपने हमने आम को अच्छे से अंदर का जो इसका पील होता है वो निकाल के रख दिया है, और अब इसमें बनाने वाला हूँ मैं इसका शेक। और इधर ये नाशपाती या बब्बू बोसा आप लोग जानते होंगे इसको, तो आज हेल्दी डाइट होने वाली है एकदम, और बारिश भी आ चुकी है। लगता है मैं अंदर ही भागना पड़ेगा। जल्दी जल्दी से मैं अपना यहाँ पे सेटअप बिठाता हूँ, नहीं तो फिर हमें
अंदर ही जाना पड़ेगा। हो गया मौसम साफ उधर का, पीछे का उजाला हो गया। उधर बारिश हो गई होगी ना। अभी थोड़ी देर पहले तो हो गया था एकदम काला सा, मुझे लगा आज बारिश पड़ेगी। हमारी किस्मत ही ऐसी ऐसी हो जा रहा है दोस्तों। हम सोच के तो आते हैं कि बारिश मिलेगी, मौसम भी बनता है, लेकिन मौसम एंड टाइम पे हमें धोखा दे देता है। अब बैठ के अपना पीते हैं मैंगो शेक। कपड़ा सूख गया थोड़ा बहुत। थोड़ा सा डालेंगे इसमें हम लोग ड्राई फ्रूट्स और हल्की सी इसमें पड़ेगी ऊपर से चीनी। वैसे इसको हल्का सा कहते हैं तो ज़्यादा किसे कहेंगे। ये अपने दो मैंगो शेक, इधर अपनी नाशपाती बबूसा है और थोड़ा बहुत अपने ड्राई फ्रूट्स। हाँ ठीक किया तूने, गर्मी के दिन में मैंगरान मैंगो शेक, हर दिन चाय पी पी के वैसे ही हो गया था। आ रहा मजा, बर्फ की कमी रह गई बस, बाकी सब ठीक है, थोड़ा ठंडा कम है। जो फर्स्ट टाइम मेरी चैनल पे वीडियो देख रहे हो उनको मैं बता दूं कि आप लोगों को मेरे चैनल पे ट्रैवल और कैंपिंग के व्लॉग देखने को मिलेंगे, तो मैं दोनों ही करता हूँ और दोनों का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। आप लोग ऐसे ही अपना सपोर्ट बना के रखो और मैं आपको आने वाले टाइम पे बहुत अच्छी अच्छी जगह पे कैंपिंग और बहुत ज़्यादा अलग नई जगह पे आपको ले जाने वाला हूँ। मेरे अभी प्लान डिसाइड हो चुके हैं, बस बरसात रुक जाए उसके बाद आप देखना, आपका दिल खुश हो जाएगा, मैं आप लोगों को ऐसी जगह लेके जाऊंगा। मेरे से पूछे सच में कि अगर आपको उत्तराखंड घूमना है तो आपको पूरा साल भी कम पड़ जाएगा, इतनी सारी जगह है हमारे उत्तराखंड में। पंचबत्री भी यहीं है, पंच केदार भी यहीं है, स्वर्गारोहिणी भी यहीं से है जहाँ से पांडव वहाँ गए थे स्वर्ग। स्वर्ग की सीढ़ियाँ स्वर्गारोहिणी। काफ़ी देर से हम लोग बाहर ही बैठे हुए हैं दोनों भाई और मस्त मौसम का यहाँ पे एंजॉय ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अच्छे खासे टाइम पे पहुँच चुके थे और अपना मैंगो शेक वगैरह पी के तब से फ्री हैं। और मैं आपको यहाँ सामने का व्यू दिखाता हूँ कि सामने कितना घना जंगल है, आप देख सकते हो ये इधर सारा इस तरफ घना जंगल। और अब हम लोग सोच रहे हैं कि अपने पास टाइम तो है, चेस खेल लेते हैं बैठ के, अपना टाइम पास भी हो जाएगा। फ़ोन में डिजिटल वाला चेस, तो सेवी की ब्लैक है और मेरी वाइट। चल भाई पहले तेरी है बारी, मैं चल वाइट। मैं इसे राजा समझ रहा, मैंने भी तेरे से राजा समझा था, तभी तो गड़बड़ हुई हो, गोटी समझने में दिक्कत हो गई, तभी तो मैं उधर ले। इसमें यही होता है कि हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हमारी जो ये गोटियां हैं इसमें वजीर कौन सा है राजा कौन सा है, कन्फ्यूजन हो गया। तो सैवी ने तो मेरे को चेक दिया और सीधा काम ही कर दिया। हमने अपनी चेस की भी चाल खेल ली है जिसमें मैं दो मैच हारा हूँ और एक जीता हूँ। अरे हाँ और क्या, अरे हाँ लास्ट मैच कौन हारा, तो लास्ट वाला ही तो मैं हारा हूँ, बीच वाला मैं जीता। अच्छा। था हवा बहुत अच्छी चल रही है, बस बारिश हो ना हो लेकिन ये हवा साथ साथ ऐसी चलती रहे, पहाड़ों में यही खास बात है। नीचे प्लेन्स में तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है लेकिन पहाड़ों की तरफ आप ऊपर आ जाओ आप अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हो इस गर्मी के माहौल में खासकर। अब बारी है ब्रेड को कट करने की, जैसे मैंने सोचा है बनाने की। टोटल 8 ब्रेड लूँगा, 4 का नीचे बेस बनाऊँगा, 4 उसके ऊपर। इधर ब्रेड कट चुके हैं और हम अलग अलग दो बाउल में
थोड़ा सा सॉस निकाल कर रखेंगे और साथ में पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। तो मैं डायरेक्ट अपना जो पैन है ये तवा तवे के ऊपर ही बनाने वाला हूँ सीधे, ताकि मेरे को इजी रहे। चूल्हे में सीधा रखूँगा इनको और उठाने की भी कोई दिक्कत नहीं रहने की। तो इसके ऊपर मैं पहले थोड़ा ब्रेड लगा लेता हूँ, मक्खन ब्रेड इतने हो गए कि ब्रेड ही आ रहा है बार बार मुँह में। चार ब्रेड लेने और इनके बीच बीच में पानी लगा लेंगे और इनको थोड़ा थोड़ा ऐसे प्रेस भी करना है ताकि ये थोड़ा फ्लैट हो जाए। तो ऐसे इसके ऊपर हम ओवरलैप करेंगे ब्रेड को और फिर थोड़ा इस साइड से भी थोड़ा। आपको अपने हाथ से भी इसमें प्रेशर देना पड़ेगा ताकि ये अच्छे से इसमें थोड़ा चिपक जाए। और अब इसके बाद हम लगाएंगे इसमें अपना जो पिज़्ज़ा वाला सॉस है। आप अपने स्वाद अनुसार जितना हो सके उतना लगाओ, हम तो खूब छक्के लगाने वाले हैं। पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद अब मिलाने वाले इसमें चिली फ्लिक्स और इधर रखा है मैंने ओरिगैनो। तो अब एक लेयर होने के बाद हम लोग एक लेयर और लगाएंगे ब्रेड की। तो जैसे सेम हमने नीचे लगाया था एजेस को पानी लगा के वैसे ही अटैच करेंगे। ये ओवरलैप करना ज़रूरी होता है तभी तो अच्छे बनेंगे एकदम। ओवरलैप करने से ये मतलब चिपके रहेंगे ना। अच्छा, खुलेगा नहीं। और हम दोबारा से इसमें लगाएंगे थोड़ा सा सॉस लगाएंगे, पहले टमाटो सॉस और फिर लगाएंगे अपना जो पिज़्ज़ा वाला सॉस है वो लगा लेंगे। तो अब इसमें बस अभी एक फाइनल स्टेप रहता है, वो है हमारी वेजीज। तो अब इसके चारों तरफ अपनी वेजीज आएंगी, बीच में अपने प्याज आ जाएंगे और साथ साथ पनीर, टमाटर भी आएंगे भाई, देखता जा। तो साथ साथ पनीर भी आ जाएगी। तो अब अपना ये तो रेडी हो गया और मेन काम बचता है वो इसको पकाना। इसको करेंगे हम कवर ढक्कन से ही, ये पक जाएगा अब कम से कम 5 से 10 मिनट में। दोस्तों अब ये मुझे लगता है कि पक चुका है और कुछ ज़्यादा ही पक गया है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है ये कहीं नीचे ना लग गया हो। हाँ, पक तो गया है। तो इसको रख लेते हैं इधर। तो दोस्तों अपना ये पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है और साथ में कोल्ड ड्रिंक। तो चलो बैठ के सबसे पहले इसको करते हैं ट्राई। टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है। मज़ेदार। तो ये वेजेस ऐसे लग रही हैं कि पकी नहीं है, बट हल्का जो इनका कच्चापन का जो टेस्ट है हाफ कुक एक नंबर का है। तो जो हमने बनाया था वो तो हमने खा लिया और वो टेस्ट हमें बड़ा मस्त लगा है। तो हम सोच रहे हैं कि एक और बना लें। दो बनाए हमने और दोनों हमारे बहुत अच्छे बने हैं, मज़ा आ गया। यहाँ तक आपने वीडियो देख ली होगी, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। दोस्तों फिर मिलते हैं आपको एक खूबसूरत सी लोकेशन में और शानदार से व्लॉग में। बाय बाय दोस्तों।